नहीं हो रहा है तभी तो करे हैं। ये आपका पति नहीं है जबकि है पति है तो फिर इनका क्या जरूरत है इस बच्चे से? पति बाहर है तो बाहर है तो इससे क्या होगा जी, इससे तो कुछ नहीं होगा। चक्कर कितना दिन से चलता था? 4 महीने से। 4 महीने से चक्कर चलता था? हाँ। बताइए इस बेचारे से तो क्या अभी जिस महिला को हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस महिला का जो है अपने भगिना से प्यार हो गया है। अब आइए इनसे पूछेंगे कि आपने छोटे से एक भगिना से इस मामी को जो है क्यों प्यार हो गया है इस उम्र में भी। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। सीमा देवी, आपका नाम क्या हुआ? जीसी कुमार। जीसी कुमार, अच्छा आपको अपने भगिना से ही प्यार क्यों हो गया? हेलो है, जोहार। बिहार का वीडियो एक ऐसा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, सबको इसको रोल कर करके पूरा देख रहा है। अभी इसका इतना ट्रेंडिंग हो गया, इतना ट्रेंडिंग हो गया कि कुछ कुछ वीडियो तो मिलियन में चला गया। और ये वीडियो ऐसा वीडियो है, मामी और भगना, मामी और भगना के बीच में ऐसा प्यार को दर्शाया गया है। उन दोनों शुरुआत में मामी रील बनाती है, रील बनाने के बाद भगना उस रील में इमोजी भेज करके उसको कमेंट करता है। और फिर वो इमोजी दिल वाला इमोजी मम्मी भी देख लेती है, और देख लेने के बाद वो भी वही वाला इमोजी फिर उसको सेंड कर देता है। सेंड कर देने के बाद वो मतलब उस प्यार को स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद 4 महीना में उन दोनों का पूरा 4 महीना तक उन लोगों का प्यार चला। उसके बाद उन दोनों शादी भी कर लिया है। उन दोनों का कहना है कि मामी यानी कि उसका जो मामा है वो बाहर काम करने गया हुआ है, और मामी के साथ ही वो भगना भी रहता है। और उन दोनों में किस तरह से प्यार हो गया है, और प्यार होने के बाद उन लोग शादी भी कर लिया है। आगे वीडियो में आप लोग देखिए किस तरह से उन लोगों का थोड़ा भी उन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि किस तरह से उन लोग अपना रिश्ता को उछल उछल करके ऐसा काम किया, कोई बड़ा अच्छा काम किया जैसा उन लोगों को लग रहा है। इन्हीं से पूछे क्यों गया, पहले यही बताएंगे। अच्छा आपको क्यों प्यार हो गया अपने मामी से? रील देख रहे थे, कमेंट में दी वाले मुझे भेजे तो वो भी भेज देता हूँ, तो प्यार हो गया। का देख के प्यार हो गया? कौन सा रील देख रहे थे? हाँ। तो कमेंट में दिल वाला मुझे भेज दे तो ये भी भेज दिए मामी, तो प्यार हो गया। तो आपको पता था कि मामी ही है हमारी? हाँ। तो दिल वाला इमोजी कौन भेजा पहले? हाँ। आप दिल वाला भेजे और उसके बाद कौन भेजा? मामी। मामी आ दिल वाला इमोजी से प्यार हो गया? हाँ। अच्छा इतना मामी से प्यार कैसे हो गया, मामा नहीं बोलते हैं? है तो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ हाँ। आपको शर्म नहीं है, इतने छोटा बच्चा है प्यार करने है तो शर्म क्या बात के है? मतलब थोड़ा भी मतलब कि रहम नहीं है यार, क्या करे, कहाँ ये कलयुग जा रहा है, ये तो घोर कलयुग हो रहा है जी। हैं? नहीं हमने गलत नहीं। आपका उम्र कितना है? हमारे उम्र 30 साल है। 30 साल है, और इसका उम्र कितना है जी? 12 साल। इससे 3 गुना उम्र का ये महिला है, और इससे शादी रचा ली है। अब बताइए इस बेचारे से क्या होगा फिर? भगना और मामी का रिश्ता, लेकिन इन दोनों पैसा के चलते, पैसा कमाने के चलते यूट्यूब से न्यूज चैनल वालों से TRP बढ़ाने के लिए इन लोगों को पैसा दिया गया है, इस तरह से एक्टिंग करने के लिए बोला जा रहा है। आगे आप लोग वीडियो में देखिए तब आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि किस तरह से इन लोग अपना पैसा मिलने के खातिर इन लोग अपना ईमान बेच रहा है, अपना इज्जत बेच रहा है। बाद में वायरल हो जाएंगे तो गांव के लोग, अपना रिश्तेदारी लोग, फिर जितना भी उसको जानने वाला लोग, अगर इसके बारे में जानकारी उन लोगों को मिलती है यानी कि वीडियो के माध्यम में जानकारी मिलती है, तो उन लोगों को कितना ही बड़ा तकलीफ का सामना करना होगा, इन लोगों को थोड़ा सा भी उसको मालूम ही नहीं है। आप लोग आगे देख लीजिए, इस आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। अपना बिहार चैनल एक यूट्यूब चैनल है, इसने इन दोनों के पास जा करके इनको सच उगलवाया है। आप लोग देख लीजिए इन्हीं की मुँह से किस तरह से लोग अपना गलती का स्वीकार कर रहा है, गांव वालों से उन लोगों को किस तरह से ताना मिल रहा है,
और साथ ही उसको उन लोग बातों में ही जिक्र किया है। शादी हम साचो के कर ले बहला कर फुसला कर सिखा कर सिर्फ अपने चैनल के टीआरपी के लिए इनका इज्जत आज उछाल दिया है कि शादी हो गया तो सुहागो रात मनेगा, यहाँ तक का भी हम सुने हैं। लगा लिया चुनरी ओढ़ ली। एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि ये दोनों प्रेमी जोड़ा सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। अब आपको सच में बताऊंगा कि वाकई में ये दोनों प्रेमी जोड़ा है, यह ड्रामा किया गया था, यह सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए इनको टारगेट किया गया था। तो आइए इसी बातों के लिए हम आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या वाकई में ये दोनों प्रेमी जोड़ा हो सकते हैं? इनका उम्र 32 साल होगा और इस बच्चा का उम्र 12 से 13 बरस होगा, तो क्या ये दोनों वाकई में प्रेमी जोड़ा है या सिर्फ व्यूज के लिए यहाँ पे प्रेमी जोड़ा बनाया गया था और मीडिया वाले का टीआरपी का ये लोग एक खेल बन, मीडिया वाले का टीआरपी का खेल कैसे होता है? तो देखिए, अगर कोई ऐसा वायरल न्यूज बनाया जाता है जिससे काफी ज्यादा लोगों में पसंद किया जाता है और ट्रेंड वाला न्यूज ऐसे हो गया कि ये 32 साल की है और ये 12 साल का है और ये ट्रेंड बन गया कि ये दोनों माँ, ये भगिना है और ये मामी है, दोनों शादी कर लेते हैं और इनको कोई मीडिया वाला आकर के सिखाया कि आप दोनों ऐसा वीडियो बनाइए कि हम दोनों शादी कर चुके हैं, तो ये दोनों मान गए और इनको भी लालच था कि हमारे चैनल पे काफी व्यूज आएगा, इसी के लिए दोनों मान गए और मान जाते हैं। उसके बाद मीडिया वाले इनका गलत फायदा उठाते हैं और काफी इनसे रुपया कमाते हैं। वाकई में ये दोनों कहीं शादीशुदा नहीं है, ये मामा, ये भगिना है और ये मामी है। और आप सोच सकते हैं 12 साल का उम्र का लड़का आखिर शादी क्यों करेगा इनसे? तो आइए इसी बात पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सीमा देवी। सीमा देवी, आप एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें आप भी कह रहे हैं कि हम इससे शादी कर लिए हैं। देखिए, चैनल वाली आई है, मीडिया वाली कौन है? मतलब हम घर में रोज वीडियो डाली है, ब्लॉगिंग करके मतलब रील वील पर डाली है, ऐसे तो घर में रोज डाली है, सब गांव घर के लोग देखे हैं। बाकी वो आई तो कौन है? चैनल पर व्यूज वोज कुछ नहीं थे, रहा खाली झूठों का कह दे के बाद भगिना से शादी हम साचो के कर ले बन, आ तू बाबुआ कह दे जे हम मामी से साचो के बियाह कर ले बन। आ कौन है वहाँ के विवेक शायद चैनल के नाम है, ऐसे ही कुछ बात। चार दिन हुआ तब वाली वीडियो उठाई है, अब वही तो कहनी जितना रहो खाली झूठे तो बोल दे न, तो सच तो मैंने रहो रास्ते रास्ते वायरल हो जाए, ठीक बात। और चैनल पर पैसा आवे लगे, अब वही का मन हम कहनी मैंने मीडिया आई लो तो यहाँ लोग पता हो तब नहीं कहता नहीं, वही विश्वास का हम वही जगह जगह पूछ लो दोनों गोड़ हमने के बता दे, सच में मैंने सच वीडियो झूठ वीडियो हमने का गांव समाज। आप सुनिए इनका जुबानी, ये बता रही है जो कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, उसको दिखाना होता है कि सच क्या है झूठ क्या है। इनको बहला कर फुसला कर सिखा कर सिर्फ अपने चैनल के टीआरपी के लिए इनका इज्जत आज उछाल दिया है, इनके गांव वाले इनको घर से निकालने के लिए तैयार है। मैं दोस्तों, आप लोग देखे इस तरह से शुरुआत में आप लोगों को लग रहा था कि ये वीडियो सही में है कि मामा यानी कि मामी और भगना के बीच में प्यार हो गया। रील देख के शुरुआत में भगना ने उसको रील देख के इमोजी दिल वाला भेज दिया, उसको मामी भी रिप्लाई दे दी दिल वाला इमोजी, और उन दोनों में प्यार हो गया। 4 महीना प्यार होने के बाद उन लोगों का शादी भी हो गया और माल फूल माला भी पहनाया गया। वो वाला वीडियो मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप लोगों को दिखा देते। तो फूल माला भी पहनाया गया है और उन दोनों का शादी भी हो गया है और आपस में बातचीत भी चल रहा है। यहाँ तक का बातचीत हो रहा है कि शादी उदी तो कर लिए हैं, सुहागरात भी मनाएंगे। देखिए किस तरह से पैसा कमाने के खातिर ये लोग इतना भी इतना गिर रहे हैं, ये चीज़ तो अच्छा नहीं है। आप दोनों को हम बता रहे हैं और बाकी जितना हमारे व्यूअर भी है और बाकी लोग भी जितना इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से भी मेरा एक गुजारिश है, कृपया इस राह से अपना ईमान बेच के पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। कमाइए, नाटक कीजिए, डांस कीजिए, ड्रामा कीजिए, कुछ भी कीजिए। भले ये चीज़ अगर आप कोई ड्रामा करते या फिर कुछ नाटक करते या फिर कुछ अपना सीरियल टाइप का बना देते तो उसमें शॉर्ट फिल्म टाइप का बना देते तो उससे चलता, लेकिन आपने रियल में बता दिया कि हमने अपना भगना से शादी कर लिया। तेरा आज देख रहे हैं कि तुम 30 साल की हो रही हो, वो तेरा भगना 12 साल की है, कोई विश्वास करेगा ऐसा? इसको पूरा थंबनेल में पूरा लिख दिया, 32 30 साल की लड़की के साथ एक 12 साल का लड़का यानी कि 12 साल का भंजा ने
शादी कर लिया। कोई कोई लिखता है कि मामी के साथ भगना का शादी, कोई कोई लिखता है कि 30 साल की मामी के साथ प्यार के जाल में फंस कर 12 साल के लड़के ने शादी कर लिया। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो बहुत चलता है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वीडियो को, इस तरह के वीडियो को आप लोग अनदेखी कर दीजिएगा। इस तरह जिसको अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, 2-4 दिन से हम देख रहे हैं, जब भी हम स्क्रॉल कर रहे थे तो आपको वीडियो मिला कि मामी और भगना का वीडियो। इस तरह का वीडियो से आप लोग बचिए और अच्छा संदेश भेजिए और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास कीजिए ना। कितना सारा टॉपिक है, उस टॉपिक में आप बात बनाइए, वीडियो बनाइए। मामा और भगन, मामी और भगनी के साथ शादी, भगना के साथ शादी करने वाला वीडियो ही बना के आपको पैसा कमाना था। इतना सारा जरिया है, आपको चैनल वाल में 2-4 पैसा दे दिया, अपना TRP बढ़ा लिया, पैसा हो तो कमा लिया, उसके बाद आपका लाइफ भर के लिए आपका जो मान इज्जत है वो सब तो चला गया ना। बहुत कोई कोई अभी तक पता नहीं है कि सही में तुम दोनों शादी किया है कि नहीं किया है। बहुत कोई को तो ये पता चल गया कि तुम दोनों सही में शादी किया है, तो इसमें तो पूरा रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।